हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसमें हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टू पार्ट्स में। तो वन पार्ट में 50 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 50-50 क्वेश्चन का टू पार्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग हिंदी का और सोशल साइंस का कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग संस्कृत और साइंस का एक साथ करेंगे। दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं इस बार मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में देना चाहते हैं, तो ये आप लोग का लेटेस्ट न्यू पैटर्न 2022 का मॉडल सेट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 100 क्वेश्चन का ये 5 मॉडल सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मॉडल सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए। तो जो भी बच्चे न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, starkstudy.com। तो ये यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग गूगल पे सर्च करके विजिट कर सकते हैं। ये आप लोग को मैट्रिक के लिए हो गया starkstudy.com। कुछ बच्चों कहते हैं कि मैम इंटरमीडिएट का भी बताइए, यानी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बताइए। तो इसके लिए बेटा आप लोग को starkstudy.com पे जाकर के विजिट कीजिए, तो उसका आप लोग को सारे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का 12th का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को starkstudy.com पे आप लोग को सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं starkstudy.com। वहाँ पे आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का 12th का यानी इंटरमीडिएट का मॉडल सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो भी बच्चे 12th के हैं तो इसके लिए आप लोग starkstudy.com पे विजिट कीजिए, और जो बच्चे 10th के हैं तो इसके लिए हो गया starkstudy.com। तो ये काफ़ी दोनों वेबसाइट हेल्पफुल रहेगा 12th के लिए भी और मैट्रिक के लिए भी। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड है और इंटर में पढ़ते हैं तो इसके लिए starkstudy.com पे जाकर के बेटा विजिट कीजिए, वहाँ पे आप लोग को 12th का ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये starkstudy.com किसके लिए है, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम लोग ये हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 3rd का। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, द कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म के लेखक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ललिन विलोचन शर्मा की कहानी है, तो ये ललिन विलोचन कहानी शर्मा किसकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20 के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20 के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्य विधा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है यानी अग्रणीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया था यानी किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छोटी बेटी ने, लेखक की छोटी बेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नाखून मनुष्य का क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्राचीनतम हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है,
यानी मोहम्मद गजनवी जो सिक्का चलाया था वो किस लिपि में लिखा गया है, तो यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर कहाँ से भाग कर के आया था, तो ये नेपाल से भाग कर के आया था। और नेपाल कहाँ पे है, बिहार के जस्ट पड़ोसी राज्य के, सॉरी देश है नेपाल, यानी बिहार के जस्ट बगल में क्या पड़ता है, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, 11 रुपये खो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। अगर हम दूसरे से नकल करके लिखते हैं तो वो क्या होता है, अधम होता है, यानी अधूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 27 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, एविन्यू में लेखक ने कितनी कविताएँ लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है, यानी ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या व्यंग्यात्मक। तो मछली किस प्रकार की कहानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिस्मिल्ला खा के मामा का नाम क्या था। बिस्मिल्ला खा के मामा का नाम क्या था, सादिक हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राम नाम के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सी कृति रस खान की नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अष्टयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, घनानंद किस काल के कवि है। तो घनानंद किस काल के कवि है, ये रीति काल के कवि है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सुधोषणे को मारग है शीर्षक सवैया किनकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रेम घन किस युग के कवि है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भारतेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासी है। तो यह कहाँ की निवासी है, गौ की निवासी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर का काव्य मूल स्वर क्या है, ओस एवं राष्ट्रीय चेतना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। इसमें कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो यह मिलन यामिनी अज्ञेय की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कुंवर नारायण कैसे कवि है। कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि है, तो ये संवेदनशील कवि है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में किसकी कृति है, वीरेन डगवाल की कृति है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, चौकेट में बेटे को क्या नहीं आटता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता का कवि विषय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी, बंगाल की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। तो जीवानंद दास किस भाषा के, बांग्ला भाषा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, रेनर मारिया रिल्के को काव्य शैली कैसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गीतात्मक कवि काव्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। यानी क्या चीज़ के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो इसको उर्वशी के लिए दिया गया था दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है, यह जनता के लिए किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, मंगमा क्या काम करती थी। तो मंगमा क्या काम करती थी, दही बेचती थी। यानी मंगमा का जो
दही बेचने का काम करती थी। मंगमा थी, वह क्या थी, यानी आस्तिक, अंधविश्वासी, डाइन या नास्तिक। तो मंगमा क्या थी, वह अंधविश्वासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सात कोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है। तो ये उड़िया भाषा के साहित्यकार है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर की ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। तो इसका राइट आंसर ये, आने वाले अघन में मंगू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगू क्या थी, एक प्रकार से बीमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, पहले दिन पपाती को क्या था, यानी सिर दर्द, जुकाम, बुखार या क्या, दस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुखार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, स्वर का विशेषण होगा, यानी विशेषण का जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या होता है, विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा दो कारकों के चिन्ह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्ता और कर्म। तो क्या होता है, कर्ता ने, तो राम ने, कर्म कौन है, रावण है, तो यहाँ के कर्म को, तो किसको मारा, रावण को। तो ये ने और को क्या हो गया, कर्ता और कर्म, यानी कर्ता ने कर्म को होता है ना, उसका चिन्ह होता है। तो जो भी बच्चे कारक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कारक का वीडियो अलग से मैं इसी वेबसाइट पे, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि कारक के लिए कितना चिन्ह होता है और किसके लिए क्या चिन्ह होता है। तो कर्ता के लिए ने का चिन्ह होता है, कर्म के लिए को का चिन्ह होता है। तो कारक का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं वर्तमान काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वियुक्ति का संधि विच्छेद होगा। तो वियुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बीजोड़ उत्पत्ति, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और संधि का भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जिसको संधि समझ में नहीं आता है वो संधि का वीडियो, कारक का, समास का, ऑलरेडी सारा आप लोग को starkstudy.com के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि ग्रामर का स्पेशल वीडियो है। नेक्स्ट है 50 नंबर कि महात्मा में समास बताइए। तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इतना ही तक रहने देते हैं इस वीडियो में, 50 तक ही, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 51 से, क्योंकि कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो एक साथ 100 क्वेश्चन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग भी उतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू तब तक सारे स्टूडेंट के। तो जो भी छात्र नए हैं और 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, starkstudy.com का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी छात्र 12th के हैं और इंटरमीडिएट यानी 2022 में 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को starkstudy.com पे जाकर के विजिट कीजिए। वहाँ पे आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का न्यू वाला 2022 का मॉडल सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं, हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो में।